हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आज हम देख रहे हैं i10 का इंजन है। ये गाड़ी हीट हो गई थी, बहुत ही बुरी तरीके से बंदा हीट करके लाया था। ये देख लो गाड़ी है, हमने इसका इंजन पूरा पूरा उतार रखा है। ये है i10 मैगना और आप देख रहे हैं, ओ भाई उठा भाई, ये इसका है ब्लॉक, ये हमने फेस कराया है। और ये है हेड भी हमने फेस कराया है। गाड़ी बहुत ही बुरी तरीके से हीट हो गई थी, इसलिए दोनों चीज़ें ही फेस करानी पड़ती है। ये खोल के ख़राब पे ले जाना पड़ता है, फिर फेस कराना पड़ता है। कई मैकेनिक क्या करते हैं कि खाली आपका अपना ये हेड फेस करा देते हैं और लगा देते हैं और कस्टमर को गाड़ी दे देते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी कुछ टाइम चलने के बाद दोबारा वही ओवर हीटिंग का इशू होने लगता है। और ये बहुत ही गाड़ियों में होता है, कई कस्टमर हमारे पास इसको लेके आ चुके हैं। फिट करने वाले हैं हेड, इंजन बांधने वाले हैं, आपको दिखाएंगे दोस्तों। चलो भाई, इसका हेड गैस्केट लगाओ। ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे दिलशाद भाई है, इंजन माना दिलशाद भाई, जरा ये भी लो पीछे से। और भाई ये और हम सारे हीरा मोटर पे काम करते हैं। ये देखो जी, हीरा मोटर शॉप है हमारी सुखराली में। कोई भी काम कराना हो, डेंटिंग पेंटिंग डिटेलिंग वगैरह कुछ भी, अभी आपको ये हेड टाइट कर देते हैं, इतने हम वीडियो पोस्ट कर देते हैं। पूरी करवाएगा ये हेड के बोल्ट टाइट किए जा रहे हैं यहाँ। ये देखिए, करवाले दे देना, वो पल्ली करवाले और अरे वो तो तो गाइस, ये होती है दोनों कैम, ये होती है कैम। अब हम मिलाएंगे इसकी टाइमिंग। तो हेलो दोस्तों, ये है कैम, अब हम इसके लगा रहे हैं कैप। अब दिलशाद भाई हमारे लगाएंगे कैप, सारी कैप लगाए फिर हम बांधेंगे इसकी टाइमिंग, फिर आप लोगों को बताते हैं कि टाइमिंग कैसे बांधी जाती है। देख लो दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं टाइमिंग। ये देख रहे हो आप इसका, एक मिनट हटियो भाई छोटे, ये डॉट दिख रहा है और ये सामने ये चैन, देखो ये इसका कलर बिल्कुल अलग ही दिख रहा है। ये चैन और ये डॉट, ये तो इस वाली कैम की है और इसकी ये है या। और नीचे वाला डॉट, ये नीचे वाला डॉट है और ये इसके सामने चैन, इसका बिल्कुल कलर अलग है। तीनों की तीनों पोजीशन आप सेम कर दोगे, टाइमिंग आपकी मिल जाएगी बिल्कुल। ये देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग आ गई है इसकी। अब इंजन मानते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो आप, हमने ये इंजन गाड़ी में फिट कर दिया है। अब ये गाड़ी है ऑटोमेटिक, इसमें गियर ऑयल डालना बाकी है। गियर ऑयल डालने के बाद ही ये गाड़ी स्टार्ट होगी। इस गाड़ी की बैटरी भी लगानी है, गियर ऑयल डालने के बाद गाड़ी स्टार्ट होगी। गाड़ी आपको हम स्टार्ट करके थोड़ी देर में दिखाएंगे कि गाड़ी कैसे स्टार्ट होती है। तो दोस्तों देख सकते हो आप, हमारी गाड़ी i10 फाइनली तैयार हो चुकी है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। दिलशाद भाई ज़रा सेल्फ मारो, आप करो स्टार्ट करो। ये देख सकते हो आप, गाड़ी स्टार्ट है। बिल्कुल ओके है, गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है अभी इस टाइम। वैसे तो हमने पहले ही टेस्ट कर लिया, काफ़ी देर की स्टार्ट छोड़ रखी थी गाड़ी में, कोई हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, गाड़ी ओके है। देखो आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, गाड़ी स्टार्ट है।